इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स, मैं मनजीत कौर, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल सबुआणा। मैं अज अठवीं जमात को व्याकरण के दूजे अंग शब्द बोध विचों शब्द भेद की पहली किस्म नाव बारे पढ़ावगी। अज आप पढ़ा नाव बारे। सब तो पहला नाव की हों जिहड़ा शब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अते भाव का बोध कराते हैं उन्होंने नाव कहा जाता है। जिहड़े शब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अते भाव का बोध कराते हैं उन्होंने नाव कहा जाता है। जिवें उदाहरण के तौर पर गीता, सोना, ताजमहल, कुर्सी आदि नाव दियां उदाहरणां हन। नाव आ जिहड़ा पंज प्रकार का हुंदा है। पंज किस्मां हन नाव दियां। पहली किस्म है आम नाव, आम नाव जां जातिवाचक नाव। आम नाव जां जातिवाचक नाव जिहड़ा शब्द किसी व्यक्ति वस्तु की पूरी श्रेणी जां जाति का बोध कराता है उसनू आम नाम कहा जाता है। कि पूरी जाति का बोध कराता इस करके इसनू जातिवाचक नाव भी कहा जाता है। आम नाम आ जिहड़ा उहदा ही दूजा नाम की आ जातिवाचक नाव। जिवें उदाहरण के तौर पर शहर, शहर पिंड, किला आदि आम नाम जा जातिवाचक नाम। और भी बहुत सारे जिवें किताब, ठीक है, भाषा, सारे ही ने आम नाम जा जातिवाचक नाम। दूजी किस्म हैगी है खास नाम, खास नाम ज निजवाचक नाम। खास नाम जां निजवाचक नाम। खास नाम जां निजवाचक नाम की होंगे हैं जिहड़ा नाव किसी खास व्यक्ति किसी खास वस्तु अते खास स्थान का बोध कराता है उसनू खास नाव जां निजवाचक नाव कहा जाता है। जिवें जिवें फाजिलका, ताजमहल, श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु नानक देव जी, ये कीने गए खास नाव जां निजवाचक नाव। तीसरा है इकट्ठवाचक नाव जां समूहवाचक नाव। तीसरी किस्म है इकट्ठवाचक। इकट्ठवाचक नाव की है जिहड़ा नाव किसी वस्तु जां व्यक्ति की पूरी पूरे समूह जां जाति का बोध कराता है। जिहड़ा शब्द किसी व्यक्ति वस्तु की पूरी पूरे समूह जां इकट्ठ का बोध कराता है उसनू कहा जाता है इकट्ठवाचक नाव। जिवें गिणिया जाने वाली वस्तुओं के पूरे इकट्ठ का बोध कराता है उसनू भी कहा जाता है इकट्ठवाचक नाव। जिवें जमात, टीम, संगत आदि की ले गए इकट्ठवाचक नाव। चौथी किस्म हैगी है वस्तुवाचक नाव।
किस्म है वस्तु वाचितला जेड़े शब्द गिणियां जा तोलियां जान वालियां वस्तुआं लई वरते जांदे हन उन्हां नूं वस्तुवाचक नाव जिहड़ा कहा जांदा है। जिवें उदाहरण दे तौर ते सोना, पानी, लोहा आदि सारे तीने के वस्तुवाचक नाव। पंजवा है भाववाचक नाव। जिहड़े शब्द जां नाव उन्हां वस्तुआं लई उन्हां वस्तुआं लई वरते जाण जिन्हां नूं केवल आपां महसूस कर सकते हैं, जिन्हां नूं ना आपां फड़ सकते हैं ना ही देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हां लई जिहड़ा नाव वरते रहिंदा है उन्हूं कहा जाता है भाववाचक। उदाहरण खुशी, बचपन, पुन्न, आदि ये सारे की भाववाचक नाम।